हेलो गाइस सर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम लेकर आ चुके हैं एक पोर्टफोलियो होम पेज, ठीक है, पर्सनल पोर्टफोलियो का होम पेज। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम ये बनाने वाले हैं, जिसके अंदर ये एक मैंने इमेज का यूज़ किया है, डमी इमेज, और उसके साइड में ये एक टेक्स्ट है जिसके ऊपर मैंने ये इफेक्ट डाला हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट है, एक बटन है जिसके ऊपर होवर करने पर जो इसका बॉर्डर है उसका कलर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर जो आइकन्स है उनके ऊपर होवर करने से उनका भी कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये पूरा रेस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो 1200 पिक्सल पर आके ये ऊपर नीचे हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो अब मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये पूरा रेस्पॉन्सिव है, मोबाइल के अकॉर्डिंग भी और टैबलेट के अकॉर्डिंग भी, तो देख सकते हो, ठीक है। ये मोबाइल के अकॉर्डिंग भी पूरा रेस्पॉन्सिव है। तो इसके अंदर मैंने बस कुछ नहीं किया, 1100 पिक्सल के ऊपर आके इन दोनों को नीचे कर दिया और इन सबको सेंटर में कर दिया बस। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं बनाना और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो अगर मैं आप लोगों को अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक इंडेक्स फाइल ली है, एक सीएसएस फाइल है, और यहाँ पर एक इमेज है ये वाला, ठीक है। इंडेक्स फाइल के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल बॉयलर प्लेट लगा के एच1 लिखा हुआ है, जिसके अंदर पोर्टफोलियो है, और यहाँ पर अपने सीएसएस को लिंक कर दिया, और टाइटल के अंदर मैंने पोर्टफोलियो डाला हुआ है, और सीएसएस के अंदर मैंने मार्जिन और पैडिंग को ज़ीरो किया हुआ है और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स किया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल है, आप लोग भी कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारा पेज किस तरह से दिख रहा है, तो ये है हमारा पेज, ठीक है, जिसके अंदर पोर्टफोलियो लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मैं इसका चेंज कर देता हूँ H1 में हटा के, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये हमारा किस टाइप से है, तो इसके अंदर मैंने दो सेक्शन बनाए हैं। पहले एक मेन सेक्शन के अंदर पूरे इस चीज़ को रैप किया हुआ है, जो इन सबको अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैंने लेफ़्ट सेक्शन दिया है और एक लेफ्ट राइट सेक्शन दिया है, ठीक है। जो लेफ़्ट है उसके अंदर इमेज है, राइट सेक्शन के अंदर टेक्स्ट और ये हेडिंग है। तो चलिए पहले एचटीएमएल के अंदर इसको बना लेते हैं। तो मैंने मेन के अंदर एक लेफ़्ट सेक्शन बनाया है और एक राइट सेक्शन बनाया है, ठीक है। और जो मेरे लेफ़्ट है उसके अंदर मैं इमेज को ऐड कर देता हूँ। ये मैंने पिक्सल्स वेबसाइट से उठाई थी, आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि वो इमेज ऐसी हो जिसके ऊपर कोई कॉपीराइट ऐसा कुछ इशू ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास, मैं एक नेम नामी क्लास ले रहा हूँ जिसके अंदर हम H1 रखेंगे, जिसके अंदर आप डमी नाम कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम या किसी का भी। मैंने मैंने डमी रखा था, तो मैं इसके अंदर आप मैं स्टीव रोजर नाम रख रहा हूँ, ठीक है, कैप्टन अमेरिका का। अब जो हमारा राइट का सेक्शन था उसके अंदर हमने एक हेडिंग ऐड कर दी, इसके अंदर हमने स्टीव रोजर नाम रखा है, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं कुछ ये वाला, ठीक है। तो ये वो नाम है जो हमारा इसका मेन नाम होने वाला है, ठीक है। आप अपना नाम रख सकते हो अगर आप अपना ये पेज बनाने वाले हो, तो ये तो बस मैं दिखाने के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक अदर नाम से क्लास ले रहा हूँ जिसके अंदर हमारा सारा ये वाला कंटेंट आने वाला है, ठीक है। जो ये बटन हुआ, सोशल बटन हुए, और ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ, ठीक है। अदर के अंदर मैं एक क्लास लूँगा पोजीशन के नाम से, इसके अंदर मैं जो ये सारी मैंने पोजीशन लिखी हुई है, वेब डेवलपर, प्रोग्रामर, यूआई डिज़ाइनर, मैं इसको ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ, मैंने लिखी हुई है पहले से ही, इससे कि थोड़ा टाइम बचे, ठीक है। और मैं एक OTP लेता हूँ बायो के नाम से, जिसके अंदर सारा वो टेक्स्ट आने वाला है जो इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये वो ये है, ठीक है। और एक जो बटन है उसको मैं बना लेता हूँ, इसमें है लिखा हुआ है मैंने कॉन्टेक्ट मी, और उसके बाद हमारा पास एक और बटन, एक और डिव है जो जिसके अंदर मैंने सोशल बटन दिए हुए हैं, ठीक है। सोशल बटन के नाम से मैंने वो क्लास दी हुई है, ये है वो। अब हमको इसके अंदर बटन ऐड करने, आइकन्स ऐड करने हैं, तो इसका मतलब हमको कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमेशा की तरह लाइन ऑसम।
तो सबसे पहले चलिए फिर उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माइनोसन और इसका सीडी लिंक कॉपी करते हैं सबसे पहले। गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करके हमको सीडी मिल जाएगा इसका, तो यहाँ से इसको कॉपी करके एचटीएमएल के अंदर पेस्ट कर लीजिएगा सबसे ऊपर तो नहीं सीएसएस से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आइकन पर जाएंगे माइनोसन के और हमको सोशल आइकन चाहिए, तो सबसे पहले हम उठाएंगे हमारा गिटहब का, ठीक है ये वाला, और इसको जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस वाले डिव के अंदर। अब ऐसे यहाँ पर फेसबुक का भी रख लेंगे, और मैंने इसके अंदर दूसरा कौन सा रखा हुआ है, इंस्टा का, ठीक है, और यहाँ पर इंस्टा का ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये तीनों आइकन भी हमने ला दिए। तो अब हमारा HTML का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, हमारी इमेज आ चुकी है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी इमेज है और नीचे इसका टेक्स्ट आ गया और यहाँ पर इसके बटन्स भी आ गए हैं और आइकन्स भी आ चुके हैं। तो अब हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं CSS से, ठीक है। HTML का काम हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम गूगल फॉन्ट के लिए चलते हैं, गूगल फॉन्ट की वेबसाइट पर वहाँ से उठाते हैं। तो मैंने जो एक फॉन्ट इसके अंदर यूज़ की हुई है वो है एंटोन, एंटोन मैंने उस टेक्स्ट के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इसके अंदर CSS के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक गूगल फॉन्ट ये है और जो दूसरी है हमारी वो आर्चीवो के नाम से है, ये वाली, ठीक है। तो मैं इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको भी हो गया, ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हमारे गूगल फॉन्ट्स ऐड कर लिए और यहाँ पर उनको इंपोर्ट करके उनको ऐड कर दिया हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो हमने मेन कंटेनर दिया था उसके अंदर हम पहले डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, जिससे सब कुछ सेंटर में हो जाए, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट रखेंगे सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जो इसकी विड्थ है वो रखेंगे 100%, और जो इसकी हाइट है उसको मेन हाइट रखेंगे हम 100 BH, और जो इसकी पोजीशन है वो हम रिलेटिव रख देंगे क्योंकि हमको इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट का काम करना है, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट वाला सेक्शन है उसके मैं फ्लैक्स देने वाला हूँ 1, और जो लेफ्ट के अंदर इमेज है उसकी मैं विड्थ करने वाला हूँ 800 pixels की, और उसकी हाइट में रखने वाला हूँ 900 pixels की, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देंगे इसको, हो गया। तो अगर मैं दिखाता हूँ तो देख सकते हो जो मैंने फ्लैक्स बन दिया था उसके अकॉर्डिंग ये सारा आ चुका है, और ये गूगल फॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। वैसे हम खाली इसके ऊपर वो वाली फॉन्ट यूज़ करेंगे, बाकी इन सब के अंदर दूसरी फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, अब हमारा काम है राइट वाले के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट सेक्शन है उसके ऊपर भी हम फ्लैक्स 1.5 दे देते हैं क्योंकि हमको ज़्यादा चाहिए थोड़ा, ठीक है। और इसकी वेट हम दे देंगे 100%, और इसकी हाइट दे देंगे 100% BH, ओके, हमको 0 नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर है जो कि जिसकी, ठीक है, इसके अंदर भी हम सेम डिस्प्ले फ्लैक्स ऐड कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट हम रखने वाले हैं इसका फ्लैक्स एंड, क्योंकि वो हमको नीचे चाहिए, और जो अलाइन आइटम है हम रखने वाले हैं फ्लैक्स स्टार्ट, क्योंकि वो हमको स्टार्टिंग से चाहिए। अगर मैं दिखाऊँ तो अभी ये हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। और फ्लैक्स डायरेक्शन हम इसकी रखने वाले हैं कॉलम, जिससे कि वो सब एक के नीचे एक आए। तो अब यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर ये नीचे आ चुके हैं सारे। अब जो स्टील हो जाए हमें उसको यहाँ पर रखना है, और जो इसका है वो थोड़ा इस साइड, इस वाले सेक्शन, लेफ्ट वाले सेक्शन में रखना है, और नीचे से थोड़ा स्पेस रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ, तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस है नीचे से, और जो ये स्टीव है उसका साइज़ बढ़ के थोड़ा इधर आ चुका है इस वाले सेक्शन में, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इसके अंदर पैडिंग ऐड कर देंगे थोड़ी सी 10 पिक्सल्स के ऊपर नीचे से और 50 पिक्सल्स की लेफ्ट राइट से। और अब हम इसके अंदर फॉन्ट फैमिली को इंपोर्ट करने वाले हैं हमारी जो होने वाली है आर्चीवो जो हमने इंपोर्ट की थी और एक सेंसाइव दे देंगे। ठीक है तो हम खाली इसके ऊपर रखने वाले हैं एंटोन और इसके ऊपर रखने वाले हैं हम आर्चीवो। ठीक है तो अब जो हमने ये वाली क्लास दी थी नेम वाली जिसके अंदर हमने स्टीव जो लिखा हुआ है अब उसको टारगेट करेंगे। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे जो हमारा नेम है उसके अंदर हम पैडिंग है 50 पिक्सल्स की दे देंगे। जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम सेम रखने वाले हैं जैसा हमने राइट वाले सेक्शन का बैकग्राउंड कलर दिया था उसकी तरह। पोजीशन इसकी अब रहेगी एब्सोल्यूट क्योंकि वो आने वाला है। टॉप से हम रखेंगे इसको 20% नीचे और ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसको ट्रांसलेट कहाँ पे एक्स की एक्स में कितना -200 पिक्सल और इसकी बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 500 पिक्सल जिससे कि वो कर्व हो जाए। तो देख सकते हो ये हमारा हो चुका है ये इस सेक्शन में भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। तो जो हमारे पास नेम के अंदर H1 होने वाली है उसका हम क्या करेंगे फॉन्ट साइज रख देंगे 80 पिक्सल्स का। कलर उसका रखेंगे उसका हम वाइट कॉलम नहीं। ठीक है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे ऊपर केस अपर कर देते हैं 5 पिक्सल्स की। ठीक है तो अब ये सही दिख रहा है जैसा था इसके अंदर ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है अब हमको क्या करना है अब हम इसको बनाना है जो हमारा नीचे का टेक्स्ट है। तो उसके अंदर जो हमारा पोजीशन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। पोजीशन के अंदर जो हमने पी टैग दिया हुआ है हम उसका कलर रख देंगे ये। ठीक है ये थोड़ी सी ब्लू की शेड है और हम इसकी पैडिंग दे देते हैं ऊपर से नीचे से 10 पिक्सल्स की और लेफ्ट राइट से हमको कुछ नहीं रखना तो हम 0 पिक्सल देंगे। और जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो हम रखने वाले हैं 24 पिक्सल। ठीक है और जो इसके अंदर बायो के अंदर पी है उसका हम फॉन्ट साइज रखेंगे 22 पिक्सल। कलर हम दे देंगे वाइट पहले सेमी कॉलर रह गया नॉट वीट वाइट। ठीक है और जो पैडिंग है उसको हम यहाँ से भी सेम वैसे ही रखेंगे ऊपर की तरह और जो इसका मार्जिन बॉटम है थोड़ा सा यहाँ से दे देते हैं जिससे कि हमको बटन के बीच में स्पेस रहे। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देख सकते हो यहाँ पर अभी ये जो इसका है वो सब ठीक हो चुका है लेकिन जो इसके ऊपर गूगल फॉन्ट थी वो हमको ये वाली नहीं चाहिए थी। तो हम इसके अंदर जो राइट वाला सेक्शन था उसके अंदर आकर गूगल फॉन्ट को ऐड कर देंगे। तो ये हमारी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है गूगल फॉन्ट अब ये हमको क्या करना है जो हमारा बटन है हम उसको थोड़ा साइज़ बड़ा करना है और जो सोशल बटन है उसका थोड़ा साइज़ बड़ा करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जो हमारे राइट के अंदर ए है ठीक है हम उसका फॉन्ट साइज़ कर देंगे थोड़ा सा 22 पिक्सल्स का। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म रखने वाले अपर केस टेक्स्ट डेकोरेशन डन जिसका कलर रहेगा वो हम रखने वाले वाइट। बॉर्डर हम रखेंगे इसका 1 पिक्सल का सॉलिड ग्रे और जो इसकी पैडिंग है वो हम देंगे 20 पिक्सल्स की। ठीक है बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल मार्जिन हम कर देंगे नीचे से जिससे कि उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। ठीक है 20 पिक्सल्स कर देते हैं और जो हमारी ट्रांजिशन है वो भी ऐड कर देते हैं क्योंकि हम इसके अंदर ओवर इफेक्ट डालने वाले हैं तो 0.1 सेकेंड का रख देंगे ऑल इज इन आउट। ठीक है तो ये हमारा बटन हो चुका है देखते हैं बटन दिखाई नहीं दिख रहा तो ये दिख रहा है। ठीक है तो यहाँ पर ये दिख रहा है बस हमको थोड़ा सा बीच में स्पेस रखना है। तो अब हम क्या करेंगे जो हमारे सोशल बटन है के अंदर जो आई है उसके अंदर हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप कर देते हैं 50 पिक्सल्स का। ठीक है तो अभी थोड़ा ऊपर जा रहा है जैसे जैसे उसके बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा वो ऊपर जाता चला जाएगा। तो हम इसका फॉन्ट साइज़ रख देंगे 50 पिक्सल्स का।
पैडिंग कर देते हैं इन सब के बीच में। ओपन जैसे हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको लेफ्ट राइट से चाहिए 10 पिक्सल्स की, ठीक है। और इसका हम कलर रखने वाले हैं ग्रे, कुछ इस टाइप से, ठीक है। और इसके अंदर भी हम ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। अभी हमने इसका ओवर इफेक्ट नहीं लिखा, तो इसको हम 3 सेकंड का कर देंगे, 0.3 सेकंड का। और अब हम इसका ट्रांजिशन लिख लेते हैं कि जो राइट के ए के ऊपर करेगा ओवर, हम उसके अंदर जो हमारा बॉर्डर है उसको 1 पिक्सल का सॉलिड, और जो हमारा कलर है RGB उसको ये कर देंगे। और इसके अंदर भी जब भी कोई हमारे सोशल आइकन सोटल बटन के आई के ऊपर करेगा होवर, तो हम उनका कलर कर देंगे RGB ये वाला, ठीक है। तो अब ये हमारा दिख रहा है सही, अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये सही दिख रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं इसके अंदर, तो हमको ऊपर नीचे चाहिए 20 पिक्सल्स, तो ये थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सही लग रहा है, तो अब हम कुछ तो ये हमारा बन चुका है होम पेज जैसा, उसके जैसा तो बनाना था, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम थोड़ी सी इसके अंदर पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा अदर्स वाला डिव है हम उसके अंदर पैडिंग ऐड कर देते हैं। हमको चाहिए पैडिंग टॉप राइट से कुछ नहीं चाहिए, हमको नीचे से चाहिए 100 पिक्सल्स की, और हमको लेफ्ट से चाहिए 50 पिक्सल्स की। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो अभी हो गया होगा, ठीक है, अभी बिल्कुल वहीं पर आ गया, देख सकते हो। तो पता नहीं चल रहा कि मेरा वाला डेमो कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा है, ठीक है। तो अभी हमारा सही दिख रहा है होम पेज जैसा हमको बनाना था। अब हमारा काम रह गया इसको रिस्पॉन्सिव बनाना। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट पे करके रिस्पॉन्सिव बनाता हूँ तो ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, देख सकते हो कि इसके अलाइनमेंट कितने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको बंद कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाना। तो इसके लिए मीडिया क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले लिखने वाले हैं हमारी मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, जो कि हम रखने वाले हैं 500 पिक्सल्स की। 500 पिक्सल्स पर आके हम क्या करेंगे, जो हमारे अदर वाला सेक्शन है सबसे पहले उसकी थोड़ी सी पैडिंग कम कर देंगे, क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा ले रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 पिक्सल से 20 पिक्सल्स कर देंगे, और बॉटम से 50 पिक्सल और लेफ्ट से 20 पिक्सल्स के। तो अगर मैं दिखाता हूँ इसको बना के करके, तो जो था हमने ये वाला स्पेस उसका कम कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये सब इसका इमेज का और बाकी सब का साइज़ कम कर देते हैं, ठीक है। तो अदर्स का तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे अदर्स के अंदर पोजीशन है, ठीक है, उसके अंदर हम उसका फॉन्ट साइज़ कर देंगे 18 पिक्सल्स का, और जो बायो है उसका भी हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ कम कर देंगे 17 पिक्सल्स का, जिससे वो थोड़ा स्पेस कम ले, ठीक है। और जो हमारा राइट है उसके अंदर जो हमने पैडिंग दी हुई है हम उसको कर देंगे 20 पिक्सल, जो हमने 50 पिक्सल्स की पैडिंग दी थी ऊपर। और जो हमारा नेम है हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे थोड़ा सा 150 पिक्सल, जिससे वो थोड़ा सा बाहर आ जाए, ठीक है। जो ये ज़्यादा अंदर जा रहा था हमने उसको बाहर कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको कमेंट करके, तो यहाँ पर देख सकते हो ये ज़्यादा अंदर जा रहा था, तो हमने इसको बाहर कर दिया थोड़ा सा 50 पिक्सल से, ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लेफ्ट के अंदर इमेज है हम उसकी विड्थ कर देंगे 600 पिक्सल्स की, और जो उसकी हाइट है वो कर देंगे 800 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब ये इमेज भी सही लग रहा है और ये भी काफ़ी ज़्यादा सही हो गया, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये कहाँ तक जाता, हम देखते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो हम ठीक है, तो 1200 पिक्सल्स के ऊपर अगर हमने नीचे गए तो फिर ये और अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 1200 पिक्सल्स पे आके इसको मोबाइल के अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब जो है हम इसको 1200 पिक्सल्स पे आके जो मेन कंटेनर है हम उसकी फ्लैश राइट से रख देंगे, क्या कॉलम, कॉलम से क्या होगा वो एक के नीचे एक आ जाएगा,
तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देख सकते हो कि जो इमेज है वो हमारा ऊपर है और जो बाकी का है नीचे है। तो अभी हम उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए ये तो हमारा हो गया, और इसकी हम हाइट जो है उसको मेन हाइट कर देते हैं 100 VH की, जिससे कि वो अपने अकॉर्डिंग स्पेस ले ले, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट का इमेज है उसकी हम विड्थ कर देंगे 500 पिक्सल, और जो उसकी हाइट है कर देंगे 600 पिक्सल्स, ठीक है। और जो अदर तो हमने इमेज को सेट कर दिया, हम क्या करते हैं कि जो हमारा नेम है उसको नीचे लेकर आ जाते हैं। पहले जो हमारा राइट वाला सेक्शन है उसको हम सब सेंटर में रख देंगे, जस्टिफाई कंटेंट जो जितना भी है सब लेफ्ट साइड से आ रहा है, ऐड कर देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट हम रखने वाले हैं सेंटर, अलाइन आइटम रखेंगे सेंटर, ठीक है। और फ्लैग्स टैग्स रख देंगे कॉलम। तो अभी ये सारा सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब हमको ये जो है जो इसका नाम है वो यहाँ पर रखना है, तो हमको थोड़ा सा इसमें मार्जिन स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो ये इसके ऊपर इसको कवर कर देगा, क्योंकि इसके अंदर पॉइजन यूज़ कर रहे हैं और वो किसी की नहीं सुनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम मार्जिन कर देखते हैं, मार्जिन टॉप कर देते हैं 150 पिक्सल से, ठीक है। तो इतना स्पेस आ चुका है, अब हम इसको नीचे लेकर आ जाएंगे। तो जो हमारा नेम है हम उसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर देंगे 0, ठीक है। हम टॉप से दे देंगे उसको 50%, और हम उसको लेफ्ट से दे देंगे, और जो उसकी पैडिंग है हम उसको कर देंगे 20 पिक्सल्स, क्योंकि हमको इतना बड़ा नहीं चाहिए वो, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है, अब हमको क्या करना है, इसको सेंटर में रखना है। अब हम इसके अंदर लेफ्ट राइट का यूज़ नहीं करेंगे, हमारा जो राइट सेक्शन है जो उसके अंदर जस्टिफाई कर जिसको हमने फ्लैग स्टार्ट किया हुआ था, हम उसको सेंटर कर देंगे सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम इसको सेंटर कर देंगे, और जो इसकी पैडिंग है वो इसको 0 कर देंगे, 0 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये आ चुका है सेंटर में, ठीक है। अब इसका क्या है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ कम कर देते हैं। जो नेम के अंदर हमारा H1 है उसका हम फॉन्ट साइज़ कम कर देंगे, कितना 50 पिक्सल कर देते हैं, जो पहले हमने 80 पिक्सल रखा हुआ था, ठीक है। तो अब ये सही दिख रहा है, अब ये काफ़ी सही दिख रहा है। तो जो हमारे हमने इन सब के बीच का जो स्पेस है उसको भी कम कर देते हैं। तो जो हमने बायो के अंदर दिया था, जो हमने इसके अंदर मार्जिन बॉटम दिया था, हम उसको ख़त्म तो नहीं करेंगे, 20 पिक्सल्स कर देंगे, ठीक है। हम उसका भी थोड़ा सा मार्जिन टॉप से दिया हुआ था हमने, हम उसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो इसको 20 पिक्सल दे देंगे, ठीक है। तो अब ये सही है, अब ये काफ़ी सही है। तो हम इसको छोटा करते हैं और देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। तो अब एक काम करते हैं, हम 550 की मीडियम वही लिख लेते हैं, जिससे हम थोड़ा सा इमेज का साइज़ कम कर देंगे, इसका साइज़ कम कर देंगे, और जो ये हैं इनका साइज़ भी थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर आकर हम सबसे पहले जो हमारे लेफ्ट के अंदर इमेज है हम उसकी विड्थ कर देंगे 400 पिक्सल, और जो इसकी हाइट है वो कर देंगे हम 600 पिक्सल से, ठीक है। तो अभी थोड़ा छोटा हो चुका है, बस यहाँ पे ऐसे हमको यहाँ पर थोड़ा स्पेस दिख रहा है और यहाँ पर नहीं दिख रहा, क्योंकि गाइस इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि एक तरफ से वो ग्रे है और एक तरफ से वाइट है, तो इस वजह से थोड़ा वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा भी फॉन्ट साइज़ कम कर लेते हैं। तो जो इसके नेम के अंदर H1 है हम उसका फॉन्ट साइज़ रखेंगे 40 पिक्सल्स, ठीक है, 40 पिक्सल, ठीक है। और देखते हैं ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो हम 450 की मीडियम वाई के अंदर इसको हल्के टॉप से थोड़ा ऊपर कर देंगे। तो मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो और हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, जो हमारी 450 पिक्सल्स पे आके
जो लेफ़्ट के अंदर इमेज है हम उसका भी थोड़ा साइज़ कम कर देते हैं साथ साथ, ठीक है। तो मैं इसको 300 पिक्सल रख दूँगा और इसको 500 पिक्सल इसकी हाइट, ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको 30 पिक्सल रख देंगे। और जो यहाँ पर इसका नेम है उसकी भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो मैं इसको टॉप से रखने वाला हूँ अब 42 पिक्सल्स 100%, ठीक है। जिससे थोड़ा ऊपर चला जाए तो मैं इसको 40% 42 ही सही है 43, ठीक है। तो अब ये सेंटर में आप देख सकते हो ये जैसा हमको चाहिए था वैसा हमने बना दिया है। अब अगर मैं इसको रेस्पॉन्सिव बनाता हूँ तो ये पूरा रेस्पॉन्सिव बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारा पेज जो है वो रेस्पॉन्सिव बन चुका है। और आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो अगर आप लोगों को वीडियो का सोर्स कोड चाहिए। तो मैंने इस तरह से पूरे जितने भी वीडियोस हैं सबका सोर्स कोड यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो अगर आप लोगों को सोर्स कोड की ज़रूरत है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये 5 है, जैसे जैसे वीडियो आती जाएंगी मैं सबको ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। तो गाइस ये था हमारी आज की वीडियो में, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए सी यू, बाय बाय।